प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 31 मई के शिमला दौरे के मद्देनजर प्रशासन द्वारा शहर में साफ सफाई और सड़कों की मैटलिंग का कार्य इन दिनों पूरे जोर शोर से चल रहा है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड पर भी मैटलिंग का कार्य अंतिम चरणों में है। प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों पर शहर की आम जनता प्रशासन से ये जानना चाह रही है कि शिमला शहर के आसपास की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, लेकिन रिज मैदान जिस पर कुछ वर्ष पूर्व ही हुई मैटलिंग के बावजूद दोबारा मैटलिंग क्यों की जा रही है? सही आपने कहा, ये मोदी जी का जो अभी दौरा यहाँ पे हो रहा है, आने वाले जो भ्रमण है इनका, चलो ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी अगर राज्यों में इस रूप में जल्दी जल्दी जाएंगे तो कुछ ना कुछ विकास की गति आगे बढ़ती है। लेकिन जिस रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बीच पे तो सजाना ठीक है, लेकिन जो आसपास जो शिमला शहर की हालत इस समय है, चाहे आप सड़कों की हालत देख लीजिए, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, जहाँ कहीं अभी वो मेटलिंग माड़ी मोटी जो हो रही है उसके अंदर भी कोई बहुत अच्छा मेटेरियल अभी नहीं लग रहा है। और उसके अलावा जो पेरिफेरी है, जो शिमला के चारों तरफ आप एरिया देखते हैं, उस एरिया के अगर आप हाल देखेंगे तो वहाँ अधिक जरूरत थी, जहाँ पर ज्यादा लोग चलते हैं, जहाँ ज्यादा जनता बसती है। अगर उस एरिया को भी ये इसी तर्ज पर इतना ही विकसित करते प्रधानमंत्री जी के दौरे को जोड़ के, तो शायद ये ज्यादा लाभ इसमें हो पाता।